अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 7 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेट फाइंड करना सीखा था कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेट हमने फाइंड करना और रिक्वायरमेंट में लिखा हो गया फाइंड द डिटर्मिनेट और मैट्रिसेस हमारे पास किस ऑर्डर का गिवन हो 3x3 का, तो हम किस तरीके से डिटर्मिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, यानी कि हमने देखना है कि किस टाइप का मैट्रिक्स सिंगुलर होता है और किस टाइप का मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है सिंगुलर मैट्रिसेस इज अ स्क्वायर मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। अब ये जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, ये भी स्क्वायर मैट्रिसेस होता है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ए इज जीरो एंड इज डिटर्मिनेट ए इज जीरो। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है, तो ये हमें इस तरह पता चलेगा कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगा हम उसका डिटर्मिनेट लेंगे। अगर डिटर्मिनेट लेने से उसका आंसर जीरो के इक्वल आ गया, यानी कि डिटर्मिनेट लेने से उसका आंसर जीरो के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर है। और अगर हम डिटर्मिनेट लेंगे और उसका आंसर जीरो के इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब है ये सिंगुलर मैट्रिक्सेज है। अब यहाँ पे अगर इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ हमने क्या किया था, डिटर्मिनेट फाइंड किया था। डिटर्मिनेट फाइंड करने से हमारे पास क्या आंसर आया था, -69। अब ये जो -69 है ये जीरो के इक्वल तो नहीं है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है। तो अगर हम इसी मैट्रिसेस को देखें कि ये वाला मैट्रिसेस हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जीरो के इक्वल नहीं आया। हर वो मैट्रिसेस जिसका आंसर जीरो के इक्वल आ जाएगा वो होगा नॉन सिंगुलर, और जिसका आंसर जीरो के इक्वल आ जाएगा वो नॉन सिंगुलर होगा, और जिसका आंसर जीरो के इक्वल नहीं आएगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, अब आगे हमारे पास लिखा हुआ है डिटरमाइन द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, यानी कि आप हमें ये बताएं कि ये जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, इसका आंसर जीरो के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। और सॉल्व हम कैसे करेंगे कि पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हम ये अब देखिए ये मैट्रिसेस कौन सा मैट्रिक, इसका ऑर्डर पहले देखिए, इसका ऑर्डर है 2x2। हम 2x2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन हो जिसका ऑर्डर 2x2 हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड किया था इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जिसका ऑर्डर क्या होता है 2x2। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखें कि ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है जिसको हमने देख के बताना है कि ये सिंगुलर है या नहीं। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना था, डिटर्मिनेंट। तो मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताया था कि सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑर्डर मेंशन करना होता है कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है वो लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो भी हमारे पास नेम से मैट्रिक्स गिवन होगा ए बी सी या जो भी, तो उसको हमने लिखना होता है, लेकिन उसके साथ हमने क्या करना होता है, टू पैरेलल लाइंस लगानी होती है। ठीक है, ये टू पैरेलल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट को। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में ये करना होता है, सेकेंड स्टेप में ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं इनको हमने पैरेलल लाइंस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद हमने क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में इस वैल्यू को इस साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 16 आंसर आता है। आप डायरेक्ट 16 भी लिख लें, अगर अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते, आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं, तो आप बेशक इसको इस तरीके से भी लिख के 2 को 18 से मल्टीप्लाई कर दें 8 से। माइनस डिटर्मिनेट में आपको पता है कि दो वैल्यूज को हम हमेशा क्या करते थे, माइनस करते हैं, आपस में वो मल्टीप्लाई होती हैं लेकिन फाइनल हम उनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये फार्मूला की वजह से, डिटर्मिनेट की वजह से यहाँ पे माइनस लगाना जरूरी है, आप यहाँ पे प्लस नहीं लगा सकते। अब ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, अब देखें 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 16। माइनस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 ही आता है। अब आपने क्या करना है कि 16 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 10। अब ये जो 10 है ये हमारे पास आंसर है इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने से। ठीक है, अब यहाँ पे 10 है ना, 10 के बाद आपने जब फाइनल आंसर आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसके बाद आपने कोई भी मतलब ना तो कोई स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होती है डिटर्मिनेंट के आंसर के साथ, और ना ही कोई आपने पैरेलल लाइंस लगानी होती है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने देखना है यहाँ से, अब यहाँ तक सॉल्व करके हमें पता चलेगा
कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब देखें क्या ये मैट्रिसेस जीरो के इक्वल है। अब टेन तो ऑब्वियसली आपको नजर भी आ रहा है कि जीरो के इक्वल नहीं होता, तो ये जो हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है तो हमने यहाँ पे लिखना है 10। अब हमने यहाँ पे लिखना है 10, ये हमारा जो डिटर्मिनेंट है ये नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो के इक्वल नहीं है तो हमने नॉट इक्वल नहीं लिखना होता, हमने ये इक्वल टू का साइन लगा के इसके ऊपर ये स्लैश लगानी होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। दस इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं आया इस वजह से ये कौन सा मैट्रिसेस है, नॉन सिंगुलर। अगर यहाँ पे वन को मैं हटा दूं, अगर इसको सॉल्व करने से मेरे पास आंसर जीरो आ चुका होता तो मैं ऐसे कहती कि क्योंकि ये जीरो के इक्वल है इस वजह से ये सिंगुलर मैट्रिसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल नंबर जो 3 है उसका पार्ट 1 कम्प्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करना है। पार्ट 2 में भी हमारे पास सेम मैट्रिसेस गिवन है, लेकिन उसमें हमारे पास जो मैट्रिसेस की वैल्यू गिवन है वो बी के नाम से है। फिर हमारे पास वैल्यूज हैं 6, 2, 12 और 4, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका ऑर्डर देखते हैं, क्योंकि 1 by 1 को सॉल्व करने का और प्रोसीजर होता है, 2 by 2 को सॉल्व करने का और होता है, और 3 by 3 को सॉल्व करने का और प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसका ऑर्डर कौन सा, इसका ऑर्डर है 2 multiply by 2 या 2 by 2, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना होता है फर्स्ट स्टेप में कि ये जो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है इसके साथ हमने क्या करनी होती है, 2 parallel lines लगानी होती हैं फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं इसको हमने पैरेलल लाइंस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है तो 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन आएगा, और ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ, तो 6 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 24, फार्मूला का माइनस आ जाएगा। और 2 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाता है 24। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या आ जाए, बी डिटर्मिनेंट लेने से अगर हमारे पास 24 है वैल्यू, उसको माइनस करना है 24 में से, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0। अब यहाँ पे जो बी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया उसका आंसर किसके इक्वल है, 0 के। तो अब ये क्या हमारा, जिसका आंसर 0 के इक्वल आ जाता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सिंगुलर मैट्रिसेस होता है। सो हमने लिखना है डिटर्मिनेंट बी मैं, अच्छा आप देखें कि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने लिखना है बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका आंसर 0 के इक्वल आया है, सो इट इज सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। अब ये कौन सा मैट्रिसेस है, सिंगुलर है। और आपने याद रखना है कि आपको कैसे पता चलेगा, सोल्व करने से पता चलेगा कि अगर आंसर 0 के इक्वल आ गया तो ये सिंगुलर है, और आंसर अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो ये नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ तक हमारे पास जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कि हमारे टॉपिक का बेसिक नेम क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बाय टेकिंग चेंजेस इन गिवन मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिसेस भी हमने कंप्लीट कर लिया है, सिमेट्रिक भी हो गया, डिटर्मिनेंट भी हो गया, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर भी हो गया। अब जो हमारा मेन टॉपिक है ना वो है मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर, कि हमारे पास अगर मैट्रिसेस, अच्छा आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक तो बल्कि यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट एग्जांपल रह गई है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इफ ए, उसके पास हमारे पास वैल्यूज गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वेयर ए इज अ सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिसेस। अब ये जो आपके एग्जांपल नंबर 4 है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ की आपके क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज आगे स्टार्ट हो रही है ना उसमें भी इसके साथ का क्वेश्चन है, तो आपने ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसको लाजमी आपने करना है। अच्छा ये एग्जांपल आपके क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तो हमारे पास वाई की वैल्यू नहीं हमें पता। अभी जो प्रीवियस आपने सारी एग्जांपल्स की हैं उसमें आपने देखा है कि हमेशा हमारे पास 4 वैल्यूज ही गिवन होती थी, यानी कि 4 वैल्यूज हमारे पास गिवन होती थी, हमें खुद से कोई वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। अब देखें बेशक हमारे पास यहाँ पे वाई की वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको फाइंड करने का तरीका सेम है। अगर हम उसी तरीके को यूज़ करके मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमने सिंपल डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो रिक्वायरमेंट है, एक ये कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है,
ये हमने बताना है, ये उन्होंने हिंट दे दिया कि जो हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी ना, जब हम उसको पुट करेंगे तो हमारा ये जो मैट्रिसेस है वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर का मतलब क्या है कि उसका आंसर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। अगर हमने वाई की ऐसी वैल्यू फाइंड की कि जिससे हमारा फाइनल आंसर नॉट इक्वल टू जीरो आया, इट्स मीन जो हमने वो वैल्यू फाइंड किया वो बिल्कुल सही फाइंड किया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है फर्स्ट स्टेप में, कि ये जो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन होता है इसके साथ हम टू पैरेलल लाइंस लगाते हैं, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट को, ठीक है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट को। सेकेंड स्टेप में हमने ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको कन्वर्ट कर देना होता है पैरेलल लाइंस में। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, डिटर्मिनेंट का माइनस आ जाएगा दरमियान में, और उसके बाद y मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। अब y की बेशक हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे y मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, 5 को 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया 40। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लेना है, 40 माइनस, अब ये y और 2 आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो y और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आता है, 2y, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद देखें, पहले हम इस स्टेप में प्रीवियस जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, तो जब हम इस स्टेप में आते थे तो क्या होता था कि हम इसमें से इसको माइनस करते थे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे अब फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज कभी भी आपस में माइनस नहीं हो सकती। 40 में से 2y कभी भी माइनस नहीं हो सकता, कोई भी वेरिएबल वैल्यू जो होती है कांस्टेंट वैल्यू से माइनस नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये हमें आगे क्वेश्चन फिर कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे उन्होंने ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इसी से आगे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, वेयर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिसेस, कि जो ए है ना वो सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि वो क्या ए इक्वल है जीरो के। सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि वो मैट्रिसेस इक्वल टू है जीरो के, यानी कि कौन सा मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस हमने फाइंड कर लिया। हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अवेयर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ए का जो डिटर्मिनेंट, ए लेने से जो भी आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। यानी कि ये जो हमारा मैट्रिसेस जहां तक हमने फाइंड किया है, ये हमारा जीरो के इक्वल है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि ये जो हमने मैट्रिक्स फाइंड किया है 40 माइनस 2y, ये बराबर है किसके, जीरो के, ठीक है। जीरो के क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिसेस है, सिंगुलर मैट्रिसेस हमेशा जीरो के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये 40 माइनस 20y लिखा हुआ है और यहाँ पे जीरो है, तो हम माइनस 2y इधर ही रख लेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल की वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू इसी साइड पे रखते हैं। क्यों, क्योंकि इससे हमारे पास आंसर आना होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 40 और यहाँ पे जीरो, तो जीरो अपनी जगह पे रहेगा। अब मैं यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो मतलब इसके साथ क्या है, प्लस। अब ये प्लस 40 जब इसकी साइड चेंज हो जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 40 में। मैथ का ये रूल है कि जब भी हम किसी भी वैल्यू की साइड चेंज करते हैं तो उसका साइड चेंज करने से उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस में हो तो वो माइनस में हो जाता है, माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो तो वो डिवाइड में कन्वर्ट होता है, और डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, यानी कि जो भी उसका साइन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 40 था वो वहां जाके माइनस 40 हो गया, और ये हमने प्लस 40 को उधर क्यों लेके गए, क्योंकि जीरो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है और 40 भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं लेकिन ये वेरिएबल वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती। तो अगर हम 40 के बजाय माइनस 2y भी ले जाते तो वहां पे कोई फर्क नहीं आना था, क्योंकि फिर वो फिर कौन सी सिचुएशन बन जानी थी, यही बन जानी थी कि एक वेरिएबल वैल्यू है और एक कॉन्स्टेंट है जो आपस में सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये माइनस 2y एज इट इज आ जाएगा, और ये जीरो में से माइनस 40 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 माइनस 40 आ जाएगा, ठीक है। जीरो में से अगर हम 40 को माइनस करेंगे 40 ही आएगा, लेकिन क्या होता है यहाँ पे प्लस है, जिस वैल्यू के साथ साइन नहीं लगा तो इट्स मीन क्या होता है वहां पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। अगर आपको ये रूल नहीं आते प्लस माइनस माइनस, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, जीरो में से माइनस 40 किया तो हमारे पास क्या गया, माइनस 40, हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 40, तो ये हो गया माइनस 2y इक्वल टू माइनस 40। अब ये देखें कि यहाँ पे आप इस तरह कर लें कि बेशक यहाँ पे साइन चेंज कर लें, यहाँ पे दो मेथड अप्लाई हो सकते हैं, एक तो ये इन्वर्टिंग साइन वाला मेथड अप्लाई हो सकता है कि अगर आप इन्वर्टिंग साइन वाला मेथड लगाएं तो दोनों साइड के साइन चेंज हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपकी बुक के अंदर हुआ है, यानी कि यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया ना, कि यहाँ पे देखें
पहले मैं आपको इससे करवा देती हूँ और दूसरा इन्वर्टिंग मेथड से भी करवा देती हूँ। यहाँ तक हमारा सोल्व हो गया ना, यहाँ तक आपकी बुक के हिसाब से ही है। अब यहाँ पे वाई रह जाएगा, वाई वेरिएबल है लेकिन माइनस टू क्या कॉन्स्टेंट है। अब ये माइनस टू और वाई आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ये इस मल्टीप्लाई की हम साइड चेंज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। यानी कि माइनस टू वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 40 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर हो गया माइनस 40 डिवाइडेड बाय माइनस टू, माइनस माइनस से कट गया, पीछे क्या रह गया 40 डिवाइडेड बाय टू। और 40 डिवाइडेड बाय टू करें तो हमारे पास क्या आता है, 40 डिवाइड बाय टू कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 20। तो वाई इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 20। ठीक है, अब ये वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 20। एक मेथड ये है कि आप यहाँ से ये मेथड यूज़ करना चाहें तो ये कर लें, इससे हमारे पास क्या आंसर आया है, 20। और एक दूसरा मेथड ये होता है, उसमें हमारे इस साइड पे अगर हमारे पास वेरिएबल की कोई वैल्यू है ना जिसके साथ हमारे पास माइनस है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू के साथ कभी माइनस नहीं आता, तो हम यहाँ पे एक मेथड लगाते हैं, उसको कहते हैं इन्वर्टिंग साइन। उसमें हमने क्या करना होता है कि दोनों साइड पे जो हमारे पास वैल्यूज होती है ना उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस टू वाई था तो यहाँ हमने 2y कर दिया, प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास माइनस 40 था तो हमने 40 में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, साइन चेंज हो गए, दोनों साइड पे नेगेटिव साइन थे और वो किस में कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिव में। y अपनी जगह पे ही रह जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 2, और 42 को डिवाइड करें तभी हमारे पास क्या आता है, वाई इक्वल टू 20। तो चाहे आप इन्वर्टिंग साइन वाला मेथड लगा लें और चाहे आप इस ये वाला मेथड लगा लें जिसमें साइन ऊपर नीचे हो, सेम साइन ऊपर नीचे, सेम माइनस ऊपर नीचे, तो उसको कट कर देते हैं, माइनस माइनस के साथ कट हो जाता है। ठीक है, तो चाहे इस मेथड से कर लें चाहे इस मेथड से कर लें, आपका आंसर सेम आएगा। अब ये हमने क्या फाइंड की है, हमने यहाँ पे एक चीज़ फाइंड की है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट के वाई की वैल्यू। अब उन्होंने लिखा था फाइंड द वैल्यू वाई, यहाँ पे वाई की वैल्यू फाइंड होगी कि वाई की वैल्यू क्या है, 20। अब आगे लिखा है वेयर इज द सिंगुलर मैट्रिसेस, के वो सिंगुलर मैट्रिसेस है। इस पॉइंट से हमें हेल्प मिली है कि हम ये पूरा क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकें। अब हमने ये क्लियर करना है कि वेरीफिकेशन करके देखते हैं कि ये जो हमने वाई की वैल्यू फाइंड की है वो हमने सही वैल्यू फाइंड किया है या गलत। ठीक है, इसकी वेरीफिकेशन करने का तरीका क्या है, अगर तो y की वैल्यू पुट करने से हमारा जो मैट्रिसेस है उसका आंसर जीरो के इक्वल आ गया तो मतलब ये जो हमने y की वैल्यू फाइंड किया ना ये बिल्कुल सही किया, और अगर इसका आंसर जीरो के इक्वल ना आया मतलब हमने कहीं पे मिस्टेक कर दिया। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे आपके बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है y इक्वल टू 20, तो यानी कि ये हमारा आंसर ठीक है, लेकिन पेपर में तो आपके पास बुक नहीं होगी ना, तो आपने खुद वेरीफिकेशन करके देखनी है। तो हमारे पास अब दोबारा से वही सेम होगा, अब हमारे पास मैट्रिसेस ए क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। अब यहाँ पे हमारे पास y लिखा हुआ था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं थी और यहाँ पे हमने वो वैल्यू फाइंड कर ली और वो वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 20। तो यहाँ पे अब हम y नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे, 20। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं आप डायरेक्ट कर ली हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप खुद लिख लीजिएगा। 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 40 माइनस डिटर्मिनेंट की वजह से, और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तभी हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 40। तो यहाँ आ जाएगा 40। अब आप 40 में से 40 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0। यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट ए है वो इक्वल टू 0 है, और क्वेश्चन में उन्होंने बताया भी था कि जो एक आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि उसका आंसर 0 के इक्वल आएगा। और यहाँ पे हमारा जो आंसर 20 को पुट करने से आया वो भी क्या है, 0। तो यानी कि इसकी यहाँ पे वेरिफिकेशन भी हो गई है कि y की वैल्यू का आंसर क्या है, 20। तो यहाँ तक आपकी जो एग्जांपल नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो गई है।